तो हाँ, तो यार गाइज हाजिर हैं आपके लिए एक और नई धमाकेदार वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे HJG कंपनी की तरफ से आने वाले मिनी ड्राइव लाइट की। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस लाइट की अनबॉक्सिंग करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा, और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये लाइट इंस्टॉल करना भी बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको इन लाइट की परफॉर्मेंस भी चेक कराने वाला हूँ। रोड पर इनका थ्रो किस तरह का होता है, किस तरह की इनकी लाइटिंग है, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया करके वीडियो को आप पूरा देखें, और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास HJG कंपनी की तरफ से आने वाले मिनी ड्राइव लाइट का बॉक्स, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि असली कौन सी होती है, नकली कौन सी होती है। तो बात करते हैं अब बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें HJG के यहाँ पर ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और ये है इन लाइट का नेम मिनी ड्राइव लाइट। और दोस्तों 70% एनर्जी सेविंग है इस लाइट के अंदर, और दोस्तों 50% ब्राइटनेस है, और 30,000 घंटे की दोस्तों इन लाइट की लाइफ है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की, तो जो करंट एम्पियर है अपना वो 1.3 एम्पियर है दोनों लाइट का। जी हाँ दोस्तों, 1.3 एम्पियर दोनों लाइट को मिलाने के बाद इसका एम्पियर है। अगर मैं यहाँ पर आपसे वर्किंग वोल्टेज की बात करता हूँ, तो जो AC DC है वो हमारा 9 वोल्ट से 80 वोल्ट तक काम करता है। पर दोस्तों मैं आपसे प्रेफर करूँगा कि आप इसे DC करंट पर ही चलाएँ। और दोस्तों यहाँ पर इसकी 30,000 घंटे की लाइफ दिखाई गई है, और जो लूमिनेंस है वो हमारा 3000 LM है। अगर मैं यहाँ पर वाटेज की बात करता हूँ, तो 20 वाट के इसके अंदर बल्ब है। तो यही है दोस्तों बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों चलिए, इसको मैं सबसे पहले बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये जो हमारा बॉक्स है वो दोस्तों एक पेपर का है, इसको रखता हूँ मैं अभी यहाँ पर साइड में। जो मेन हमारी लाइट है वो इस बॉक्स के अंदर पैक है। तो ये रैप वाली पैकिंग का है, जो अभी करंट पैकिंग चल रही है वो मिनी ड्राइव लाइट है। और दोस्तों ये जो आप इसका बॉक्स देख पा रहे हो, इसकी जो बॉक्स का रैप है वो मैंने पहले से ही हटा दिया था। जो बॉक्स पर लिखी गई स्पेसिफिकेशन थी, वही इस बॉक्स के ऊपर भी लिखी गई स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए सिंपली मैं यहाँ से इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी लाइटिंग, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। दोस्तों ये है हमारी मेन जो लाइट, जो मेन यूनिट है। सबसे पहले मैं इसको ही यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों लाइटिंग मैं भी सबसे पहले बाहर निकाल लेता हूँ, इसको रखता हूँ मैं अभी साइड में। और बात करते हैं इसके साथ में जो भी क्लैंप वगैरह मिले हैं, तो ये यहाँ पर हमें कुछ स्क्रू और इसकी एलन की यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और ये यहाँ पर हमें दो क्लैंप देखने के लिए मिल जाती है, जो कि दोस्तों इसके माउंट करने के काम आएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास HJG कंपनी की तरफ से आने वाली मिनी ड्राइव लाइट। अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करता हूँ, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पर मुझे क्वालिटी इनकी दिखाई दे रही है। अगर मैं इसके वेट की भी बात करता हूँ, तो वेट भी दोस्तों इन लाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में क्लैंप देख पा रहे हो, और इस लाइट के अंदर दोस्तों हमें 4 होल देखने के लिए मिल जाते हैं। या तो दोस्तों आप देखिए इस तरह से इसको माउंट कर सकते हो, जिसमें जो इसकी वायर है वो नीचे की तरफ जाएगी, इस तरह से ये जो क्लैंप है वो आप सेट कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों आपकी अगर बाइक के अंदर माउंट करने के लिए इस तरह की जगह नहीं है, तो देखिए आप इस क्लैंप को इस तरह से भी फिट कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों इस लाइट के अंदर हमें 4 होल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको रखता हूँ मैं अभी यहाँ पर साइड में, और बात करता हूँ दोस्तों मैं आपने यहाँ पर मिनी ड्राइव की। तो दोस्तों मेटल की इसकी फुल बॉडी देखने के लिए मिल जाती है, और पीछे की तरफ भी दोस्तों हमें यहाँ पर इसमें फैन भी देखने के लिए मिलता है। और देखिए दोस्तों, इससे पहले जो इसकी पैकिंग आती थी उसमें यहाँ पर HJG की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती थी, लेकिन दोस्तों अभी जो न्यू पैकिंग है उसमें हमें यहाँ पर नीचे की तरफ HJJ की ब्रांडिंग यहाँ पर दिखाई गई है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे इन लाइट के कलर की, तो देखिए दोस्तों इन लाइट के अंदर हमें व्हाइट और येलो कलर की लाइट देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं इसकी वायरिंग की क्वालिटी की बात करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमें यहाँ पर वायरिंग देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं इसकी वायरिंग की लेंथ की बात करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पर ये खोल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वायरिंग की लेंथ की बात करता हूँ, तो देखिए दोस्तों 1 मीटर की हमें एक लाइट के अंदर वायरिंग देखने के लिए मिल जाती है, और पीछे की तरफ दोस्तों हमें यहाँ पर एक फैन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से इन लाइट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। और दोस्तों यदि ये लाइट आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी बाइक की तरफ। सबसे पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अपनी बाइक, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। इसी बाइक के अंदर ये अपनी हम मिनी ड्राइव जो लाइट है, इसी के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो आप मेरी बाइक देख पा रहे हो, इसके अंदर हमारे यहाँ पर बम्पर में होल मैंने पहले से ही किए हुए हैं, क्योंकि पहले भी दोस्तों मैंने इसके अंदर एक लाइट लगाई थी। तो दोस्तों दोनों तरफ हमारे होल हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले वाइजर खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके कनेक्शन वगैरह समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी इस बाइक के अंदर मैं कुछ इस तरह का जो बटन है, जो स्विच है, इस तरह का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों इसको मैं ऊपर करता हूँ ऑन है,
बीच में हमारा बंद हो जाएगा और फिर एक जो नीचे करेंगे नीचे भी हमारा चालू हो जाएगा। तो दोस्तों 3 पॉइंट का ये हमारा बटन है। अगर दोस्तों आपके पास इस तरह का बटन नहीं है तो आप जैसे कि डिस्प्ले पर देख भी पा रहे हो इस तरह का बटन भी परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आप कपलर देख पा रहे हो ये स्प्लेंडर प्लस बाइक है। इसके अंदर ही हमको इसके कनेक्शन करने हैं। ब्लैक कलर की वायर है, इसमें ही सीधा ही हमको कनेक्शन करना है। कपलर अभी मैंने यहाँ पर लगा लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, बिना वायरिंग कट किए मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको टेप लगा लेना है जिसे वायरिंग हमारी कहीं पर टच ना हो। वाइजर अभी मैंने यहाँ पर बांध लिया है और जो अपनी लाइट है वो भी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर ली है। एक लाइट मैंने दोस्तों इधर की तरफ इंस्टॉल की है और एक लाइट हमारी दूसरी साइड है। और वीडियो में आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों इस लाइट के साथ जो हमें बोल्ट मिले थे वो हमारे काम नहीं आए हैं। मैंने यहाँ पर 10 नंबर का नट लगाया है, थोड़ा लंबा नट मुझे लगाना पड़ा है। तो चलिए अभी मैं आपको दूसरी लाइट भी दिखा देता हूँ। जो दूसरी लाइट है वो मैंने कुछ इस तरह से इंस्टॉल की है इधर की तरफ। तो इंस्टॉलेशन तो दोस्तों हमारा हो चुका है, चलिए अभी मैं आपको कनेक्शन वगैरह इसके समझा देता हूँ। कनेक्शन अभी मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। ये जो आप रेड कलर की वायर देख पा रहे हो बीच वाली, ये दोस्तों हमारे स्विच से आ रही है नीचे की तरफ से, जो हमने नीचे की तरफ कनेक्शन किए थे। और ये दोनों लाल कलर की वायर हमारी दोनों लाइट की हैं, एक जगह हमने कर ली है, इसका कनेक्शन एक साइड किया है। और जो ये पीले कलर की आप वायर देख पा रहे हो इन दोनों को भी एक जगह कर लिया है, इसका कनेक्शन यहाँ पर कर दिया है। लाइट का हमारा ब्लैक कलर की वायर बचती है, इन दोनों को हमने यहाँ पर बाइक से ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पर एक नट के साथ हमने इसको अटैच कर दिया है। तो कुछ इस तरह से हमने कनेक्शन किए हैं। सबसे पहले मैं इस स्विच को इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने स्विच को भी इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर पत्ती लगाकर हैंडल के नट से यहाँ पर मैंने इसको खींच दिया है। इस तरह से ये हमारा ऑफ रहेगा, इधर करेंगे ऑन और यहाँ पर आओ फिर ऑन। तो चलिए रात का भी वेट करते हैं, रात होने पर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस चेक कराऊंगा किस तरह की रोशनी देखने के लिए मिलती है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर रात हो चुकी है, अंधेरा आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, फुल अंधेरा है यहाँ पर। और जो अपनी बाइक है इसकी आप न्यूट्रल लाइट देख भी पा रहे हो, ये मीटर की न्यूट्रल लाइट जल रही है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इन लाइट की परफॉर्मेंस चेक करा देता हूँ। तो पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पीले कलर की जो लाइट है उसको चेक कराने वाला हूँ। यहाँ पर तो ये है दोस्तों HJG कंपनी की, इसका जो लाइटिंग है अभी आप पीली वाली जो इसकी लाइटिंग है वो वीडियो में देख भी पा रहे हो, जो आप थ्रो देख पा रहे हो रोड को पूरी कवर कर रही है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको इसका जो वाइट बीम है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ, जो वाइट कलर की लाइटिंग है वो मैं आपको अब चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, जो लाइटिंग है मैंने कुछ इस तरह से इसको इंस्टॉल किया है। जो पीले कलर की लाइटिंग है वो हमारी यहाँ पर लो बीम पर काम करेगी और जो हमारी वाइट कलर की लाइटिंग है वो हमारी हाई बीम पर काम करेगी। तो रोड को जैसे कि आप देख भी पा रहे हो पूरा कवर किया हुआ है। वीडियो में आपको बता दूँ, इन लाइट की मैं अपने चैनल पर एक और वीडियो डालने वाला हूँ, कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा। चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देख पाएँ। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।